हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट इंडियन फोटोग्राफर। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स के दिमाग में एक कन्फ्यूजन होता है। जनरली हमारे ये थिंकिंग होती है कि बैकग्राउंड ब्लर जो होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होगा, और अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो बैकग्राउंड ब्लर कम होगा। लेकिन ये बात एकदम गलत है। हमारे ही कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट्स में बताया कि उन्हें लगता है कि अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होगा, और अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो बैकग्राउंड ब्लर कम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये थिंकिंग एक्चुअली आ रही कहाँ से है। देखिए, जब भी कोई छोटे ऑब्जेक्ट का आप फोटो खींचते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट के एकदम पास चले जाते हैं, तो आपका जो बैकग्राउंड ब्लर है वो ज़्यादा होता है, जो कि सही बात है, होगा। लेकिन आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बोला है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के जितना पास जाओ, लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी कम करो उतना ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर होगा। तो सेम डिस्टेंस से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, उस जो भी साइज़ का हो, आप उसका अगर फ़ोटो खींचेंगे तो बैकग्राउंड जो होगा आपका, वो बैकग्राउंड ब्लर सेम होगा, चाहे वो एक ह्यूमन हो या वो एक ऑब्जेक्ट हो। तो वही उसी का डेमो मैं अभी आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा सेम ऑब्जेक्ट है जो मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में यूज़ किया था। तो पहले मैं 100mm की फोकल लेंथ लेके एपरेचर प्रायोरिटी मोड पे ISO 200 पे उसका एक फ़ोटो लूँगा। फिर मैं अपने एक स्टूडेंट से बोलूँगा कि वो उस ऑब्जेक्ट की जगह पे खड़े हो और मैं उनका भी फ़ोटो लूँगा। आप ही डिसाइड करिए कि दोनों का बैकग्राउंड ब्लर कैसा है। तो देखिए, अब मैं उस ऑब्जेक्ट का फ़ोटो लेके आपको पहले ये फ़ोटो दिखाता हूँ कि इसमें किस टाइप का बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बहुत अच्छा है। तो अब आ जाते हैं हम दूसरे फ़ोटो पे। अब मैं अपने एक स्टूडेंट को बोलूँगा कि वो उस जगह पे जाके उस ऑब्जेक्ट की जगह पे खड़े हों और सेम मैं 100mm पे एपरेचर प्रायोरिटी मोड पे ISO 200 पे उनका फ़ोटो लूँगा, और फिर आप देखिए कि क्या डिफरेंस आता है। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है, और कंपैरेटिवली अगर आप इसको हमारे ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड ब्लर के रिलेटिवली देखेंगे तो जो बैकग्राउंड ब्लर है वो एकदम ही सेम है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ कि बैकग्राउंड ब्लर जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के साइज़ के ऊपर एकदम डिपेंड नहीं करता है। चाहे वो आप एक ह्यूमन का फ़ोटो खींच रहे हो या आप एक ऑब्जेक्ट का फ़ोटो खींच रहे हो, वो बैकग्राउंड ब्लर सेम रहेगा। अब मैं आपको इसके पीछे थ्योरी बताता हूँ। देखिए, जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो आप एक पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं। इसलिए जब भी हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हम एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट रख दें चाहे छोटा ऑब्जेक्ट रख दें, वो हमारे सिर्फ फ्रेम का साइज़ ले रहा है, लेकिन वो हमारे फोकस पॉइंट को आगे पीछे नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमें जो बैकग्राउंड ब्लर है वो उस पॉइंट के हिसाब से आएगा जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो या हमारे एक ह्यूमन के ऊपर हो, तो हमारा जो बैकग्राउंड ब्लर है वो सेम आएगा। हाँ, यहाँ पे हो ये सकता है कि ऑब्जेक्ट के केस में आपके अगल बगल में ज़्यादा जगह हो इसलिए आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा दिखे, लेकिन जब भी हम किसी ह्यूमन को यूज़ करें, हम किसी अपने मॉडल को यूज़ करें, तो हमारा जो बैकग्राउंड ब्लर है वो हमें कम दिखे क्योंकि अगल बगल में जगह कम हो। तो इसलिए फ्रेमिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जब भी आप अगली बार फ़ोटो खींचें तो आप ये ना सोचें कि आपका जो बैकग्राउंड ब्लर है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके लेंस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस यही था आज की वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको और भी कुछ अपडेट्स के बारे में पता करना है, कैमरा और लेंसेज के बारे में पता करना है, तो आप मेरे फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको बिहाइंड द सीन फोटो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा।